दोस्तों, ये मेरा ये मैसेज आपको हर वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आगे किसी के साथ भी कोई फ्रॉड या स्कैम हो। और मेरा ये छोटा सा एसएमएस आपको हर वीडियो में लगा मिलेगा। और एसएमएस ये है कि मेरी तरफ से कभी भी किसी को कोई पर्सनली मैसेज नहीं चाहता, ना ही कोई जीमेल आईडी का पासवर्ड पता करने के लिए, जीमेल आईडी के लिए, या किसी ओटीपी के लिए, या कोई भी फंड ट्रांसफर करने के लिए। अगर कोई भी किसी आपको किसी भी यानी कि राशिद नाम से कोई मैसेज आए, या राशिद अहमद नाम से कोई प्रोफाइल बना के मैसेज करता है जिसमें वो जीमेल आईडी पता करने की कोशिश करे, या ओटीपी पता करने की कोशिश करता है, या आपसे कोई फंड की डिमांड करता है, तो समझ लीजिए कि वो कोई स्कैमर है, हैकर है, या कोई फ्रॉड करना चाहता है। तो आप किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स या अपना फंड ट्रांसफर ना करें, अदरवाइज यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। ये मैसेज मेरा आपको हर वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आप ताकि अवेयर रह सके, क्योंकि कोई भी नया सब्सक्राइबर आ रहा है उसको ये मैसेज मेरा रेगुलर मिल पाए। किसी को भी अपना फंड ट्रांसफर ना करे, चाहे वो राशिद अहमद बनके ही आपसे क्यों ना बात करे, किसी को अपनी कोई पर्सनल डिटेल शेयर ना करे। ये मैसेज आपको रेगुलर मेरी हर वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MLM राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कभी कभी आप लोग देखते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में MLM राशिद नाम से कुछ जो फेक स्कैमर होते हैं वो आप नंबर डाल देते हैं, तो आप ध्यान रखें कि वो मेरे नंबर नहीं होते, वो स्कैमर होते हैं, वो हैकर्स होते हैं, वो फ्रॉड होते हैं जो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें, क्योंकि मेरा एक ही नंबर है जिसके लास्ट में 786 है, और मैं नंबर तभी कमेंट्स करता हूँ जब कोई मांगता है, अदरवाइज मैं कभी भी नंबर किसी को नहीं देता हूँ। सेकेंड चीज़, जो VIP के जो चार्जेस है वो चार्जेस मैं लेता हूँ, तो उसके लिए आप ध्यान रखें, कभी भी आप जो VIP की फ़ीस पे करें, पहले वीडियो कॉल करके कंफर्म कर ले कि मैं ही हूँ, कोई और तो नहीं है। क्योंकि आपके साथ कोई भी अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए या कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो पहले उसको बोलिए कि सर वीडियो कॉल करके कन्फर्म कीजिए कि आप राशिद ही है या नहीं। तो अगर वो ओरिजिनल होगा तो वीडियो कॉल करेगा, लोकल होगा तो वीडियो कॉल नहीं करेगा, तो आपको वहीं पता लग जाएगा कि वो स्कैम करना चाह रहा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मैसेज आपको बहुत आगे फ़ायदा देगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरा जो मार्केट है पूरा डाउन जा चुका है, यानी कि देखिए पूरा क्रेश हो चुका है, पूरा मार्केट रेड रेड पड़ा हुआ है। बिटकॉइन भी देखिए 41 लाख के समथिंग, 42 लाख के समथिंग आ गया। ऐसा क्या हुआ? दूसरी चीज़, आप लोगों को मैंने पहले भी लगभग आई थिंक 10 से 15 वीडियो में दे चुका हूँ, जिसमें मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों को करने में, वो क्या करते हैं एक्चुअली, वो ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिस वजह से मार्केट डाउन जाती है। और डाउन जाने पर वो क्या करते हैं, क्वाइंस को बाई करते हैं। बाई करने पर क्या करते हैं, जब जैसे मार्केट अप जाती है 2 से 3 दिन में वो उनको सेल कर देते हैं। ये बहुत ही बड़ी इनकी साजिश होती है, जितने भी ये बड़े बड़े दिग्गज महाराज है, ये इस तरीके की पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। एक्चुअली करते क्या है, जब बुलिश मार्केट होती है, यानी कि जब बुलिश रैली आई होती है, तो उस टाइम ये क्या करते हैं, अपने क्वाइंस को सेल कर देते हैं, और फिर कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन लेकर आएगी जिस वजह से मार्केट डाउन चली जाएगी, और जैसे ही मार्केट डाउन जाएगी फिर क्या करेंगे, ये बाय कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट निकालते हैं। तो ऐसी ही कोई पैनिक सिचुएशन फिर से क्रिएट की गई है, वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा सारी चीज़ें। बस आप लोग ध्यान रखें, जैसे मैं आपको रेगुलर बोलता हूँ कि 10% वॉलेट आपको हमेशा बचा कर रखना है। वो वॉलेट कब काम आता है, अब आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइम वो वॉलेट काम आता है आपका। VIP ग्रुप में भी ये मैं रेगुलर बोलता हूँ, और नॉर्मली भी रेगुलर बोलता हूँ कि अगर आपका लाख रुपये का ये फंड है, तो इसका 10% यानी कि 10,000 रुपये हमेशा वॉलेट में बचा कर रखें। और इस वॉलेट को कब यूज करना है, जब मार्केट पूरा क्रेश हो जाए, डाउन हो जाए, उस टाइम यूज करना, ताकि आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा दे जाए। क्योंकि एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल लीजिए कोई भी क्वाइन 15% डाउन आ गया है, और उसको आपने क्या किया, 10,000 रुपये में खरीद लिया दोस्तों। तो दोस्तों, ये 10,000 रुपये आपको लगभग 15,000 रुपये बना जाता है जब मार्केट डाउन होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रेगुलर, चाहे आप 10,000 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे 20 पे कर रहे हैं, चाहे आप 50,000 रुपये करते हैं, चाहे लाख पे करते हैं, आपको हमेशा अपना 10% जो है वॉलेट में बचा कर रखना है, सिर्फ उस चीज़ के लिए कि जब भी मार्केट डाउन जाएगी, उस 10% से हम क्वाइंस को बाय करेंगे और क्वाइंस से प्रॉफिट निकालेंगे। जितने मगरमच्छ वाली जो स्कीम है, ये मगरमच्छ क्यों यही तो करते हैं, अपना वॉलेट बचा कर रखे रखते हैं, और जैसे मार्केट क्रैश करते हैं, ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पर बाय कर लेते हैं, फिर ऊपर जाने पर सेल कर देते हैं। तो आप लोगों ने भी 10% हमेशा बचा कर रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी मौका मिला हुआ है, चलिए ये मार्केट डाउन क्यों गई उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि सभी कॉइनों में एंट्री लेने का मौका मिला हुआ। जैसे मैंने VIP ग्रुप में भी रात भी मैसेज डाल दिया था, और सुबह भी मैंने सिग्नल ऑलरेडी भेज दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है अभी क्रेश है, लेकिन बहुत जल्दी अप डाउन जाता हुआ मिलेगा। जैसे इसका सिग्नल मैंने दिया था, ये बाय कर सकते हैं, अभी देखिए बहुत अच्छा मौका है इसको बाय करने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे हम चले गए तो WRX आप देख सकते हैं कि अभी 174 आ गया, 170 तक ही आया था, और इसको भी बाय करने का बहुत अच्छा मौका था, ये भी अच्छा मूवमेंट आपको दे देगा आने वाले टाइम में। उसके बाद आप देख सकते हैं
डोज क्वाइन पे भी देखिए 36 पा चुका है, इस पर आप नजर रख सकते हैं दोस्तों। ये आपको लगभग 3 से 4 रुपये का प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन अपने रिस्क पे ट्रेड करें, लॉस आपका प्रॉफिट आपका। BT2 क्वाइन यहाँ पर अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है, अभी लगभग 50 पैसे के समथिंग चल रहा है, और ये दोस्तों यहाँ से आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है इसमें 54 पैसे तक का, तो अच्छा रिटर्न ये भी आपको यहाँ पे दे सकता है। डॉग क्वाइन की मैं बात करूँ तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि डॉग क्वाइन जब डाउन जाता है तो 7 रुपये से लेकर के हमें मतलब सॉरी 6 रुपये से लेकर के 7.5 रुपये तक देखने के लिए मिल जाता है, तो अभी देख सकते हैं 7.84 रुपये आया हुआ है। ये जब मार्केट बुलिश आएगी तो ये आपको लगभग 8.5 रुपये से लेकर 9 रुपये देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी एंट्री लेके आप बना सकते हैं प्रॉफिट। और बात करूँ ENG क्वाइन की तो दोस्तों ENG क्वाइन अभी देखिए 177 आ गया, और जितने मेरे VIP ग्रुप में थे उनको मैंने बाय कराया था ये लास्ट टाइम 192 पे, और कल आपने वो लोगों ने देखा दोस्तों 7 ये हाईएस्ट प्राइस का गया था और अच्छा रिटर्न देके गया है। तो यहाँ पर इसमें आप 170 से लेकर 175 में एंट्री ले सकते हैं, और इसका मूवमेंट जब अगला आएगा तो आपको 190 से लेकर 200 रुपये देखते हुए मिल जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अच्छा रिटर्न आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे WinCoin, तो WinCoin जैसे मैंने लास्ट वीडियो आपको दिया था, उस क्वाइन में मैंने बताया था कि WinCoin अगर डाउन जाता तो आपको 7 पैसे से लेकर के 8 पैसे जाता हुआ मिल जाएगा, तो लगभग अभी 7 पैसे के समथिंग ये आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एंट्री लेकर अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। देखिए 7 पैसे के समथिंग आया हुआ है, ठीक है। डॉग क्वाइन को दोस्तों INR में आप बाई कर सकते हैं, 7.87 रुपये का है। उसके बाद SC क्वाइन है 2 रुपये अभी 66 पैसे का, ये भी लगभग 3 रुपये देखने के लिए मिल जाएगा आपको मार्केट अप होने पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि हाँ, जो WinCoin है दोस्तों, इस WinCoin में अच्छा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है सिर्फ 2 से 3 दिन में, क्योंकि जो जस्टिन सन जी है उनकी कोई ट्वीट है, वो ट्वीट डाली हुई है, तो इसी वीडियो में ये वो टॉपिक भी हम कवर कर लेते हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। जो WinCoin है दोस्तों डाउन तो चला गया, अब ये 2 दिन के बाद इसकी उम्मीद है कि ये अप भी जा सकता है, क्योंकि जस्टिन सन जी ने एक ट्वीट डाली हुई है, और आपको पता है कि अभी ये लगभग TRX और BTT और WinCoin ये तीनों एक ही ट्रेंड पर काम कर रहे हैं। लगभग आपने देखा होगा जब TRX बढ़ता है तो Win और BTT भी बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं ले चलता हूँ आपको ट्वीट के ऊपर सीधा, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने डाली हुई है, और कि क्यों मार्केट ये डाउन गई ये भी जानने की कोशिश करें। चलिए मैं ट्विटर ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों सर्च कर लेते हैं हम अपना एलन मस्क जी को सबसे पहले। तो एलन मस्क पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसी ट्वीट डाली जिसकी वजह से पूरे मार्केट क्रेश हो गई। देखिए, टेस्ला हैज सस्पेंडेड व्हीकल परचेसिंग यूजिंग बिटकॉइन, यानी कि पहले जो थे ये बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे थे, आप टेस्ला को बिटकॉइन से बाय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पैनिक सिचुएशन क्या क्रिएट कर दी कि अब आप बिटकॉइन से टेस्ला को बाय नहीं कर सकते। वी आर कंसर्न्ड अबाउट रैपिडली इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑफ फॉर बिटकॉइन माइनिंग एंड ट्रांजेक्शन स्पेशली कोल विच हैज द रोस्ट, यहाँ पर कुछ उन्होंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ समझने वाली बात होती है, यहाँ पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी, मार्केट पूरी खत्म कर दी, अब यहाँ पर बाई करने पर लगे होंगे क्वाइंस ही बड़े बड़े मगरमच्छ, अब क्या होगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, नीचे ये वाला आप लाइन पड़ेगा, टेस्ला विल नॉट बी सेलिंग एनी बिटकॉइन वी इन ट्रेंड। अब यहाँ पर देख सकते हैं, वी आर ऑल्सो लुकिंग एट अदर क्रिप्टो करेंसीज डेट यूज 1% ऑफ बिटकॉइन, यानी कि अब ये क्या कर रहे हैं, अदर क्रिप्टो करेंसी देख रहे हैं जिससे टेस्ला को बाय कराएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले पैनिक सिचुएशन करके मार्केट को क्रेश कर दिया, अब क्या करेगा ये, कोई भी क्वाइंस का नाम अनाउंस कर देगा फटाफट से कि ये क्वाइन को हम टेस्ला में लेंगे, तो दोस्तों उसमें फिर हमें पंप देखने के लिए मिलेगा, और वो क्वाइन जाएगा एक आसमान यानी कि रॉकेट की तरह इस तरीके से करता जाएगा। तो अभी इंतजार देखते हैं कि कौन सा ट्वीट इनका आएगा, किस क्वाइन का ये नाम लेने वाले हैं, तो दोस्तों वो क्वाइन का जब नाम आएगा तो वहाँ पर हमें अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक रीजन था मार्केट डाउन जाने का। उसके बाद अभी मैं ले चलता हूँ जस्टिन सन जी के पास आपको, और उनका भी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या डाला हुआ। चलिए जस्टिन सन जी का क्लिक कर लेते हैं, तो फाइनली आफ्टर 72 इन्होंने कुछ डाला है। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये डाला हुआ है, हाई एलन मस्क जी, इफ़ यू रियली वांट टू इंस्टेंट स्टेबल लो फीस एंड ग्रीन एनर्जी पेमेंट सॉल्यूशन फॉर टेस्ला, योर बेस्ट चॉइस इज टेटर ऑन ट्रॉन। देखिए यहाँ पर TRX का इन्होंने डाला हुआ है, मतलब एलन मस्क जी को ये थोड़ा सा इन्होंने बोला है कि आप TRX को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट हैज़ बीन यूज्ड बाय यूजर्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल ग्लोबली विद आवर 10 बिलियन ट्रांजेक्शन वॉल्यूम पर डे, तो यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है ये, देखिए आप समझ सकते हैं। तो मतलब ये बता रहे हैं कि भाई हमारा जो है आप मतलब टेस्ला को आप TRX से बाय करा लो, ठीक है। TRC20 USDT नाउ अवेलेबल ऑन कर्क फिनेक्स, ये कोई एक्सचेंज था जिसके ऊपर ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थैंक्स फॉर सपोर्ट टेटर टू ट्रॉन, यहाँ पर ये एक्सचेंज है इसके ऊपर ये लिस्ट हो चुका है, ठीक है। इनकी एक ट्वीट और थी वो मैं देखना चाह रहा था, ट्रॉन विल बी लॉन्च इन टू ए न्यू एडवेंचर सून, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू एडवेंचर सून, एक दिन पहले इन्होंने डाला है। लीव योर कमेंट ऑन व्हाट ट्रॉन विल बी लॉन्च नेक्स्ट,
आर्ट इज दिस स्टैटिक थ्री फ्रेंड देन लकी विनर्स विल बी रैंडमली चूजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक दिन पहले इन्होंने डाला है कि यहाँ पर ट्रॉन विल लॉन्चिंग इनटू ए न्यू एडवेंचर सून। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब ये अपना कोई एडवेंचर लॉन्च करेगा तो ऑटोमेटिकली हमें विन और बीटीटी में मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों अभी मार्केट डाउन है, बाय करने का अच्छा मौका है, बहुत जल्दी मार्केट अप जाएगा, हमें अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।